नीचे बीबी, ऊपर बीबी नीचे बीबी, हाय आगे बीबी पीछे बीबी, ऊपर बीबी नीचे बीबी, दाएं बीबी बाएं बीबी, हर जगह बस बीबी 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 के चरणों में मैंने बीबी के चरणों में मैंने सब किया अर्पण। हेलो, जी हाँ, मैं राजेश्वरी देवी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुँच जाऊँगी। यस, आई विल बी देयर, थैंक यू। कमाल है, माधुरी अभी तक तैयार नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, क्या काम है, किससे मिलना है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? चारों का जवाब एक साथ दूँ? एक एक करके दो। हाँ फिर तो ठीक, बैठो। देखिए मैडम, मेरा नाम विक्की शर्मा है और मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अपने घर से आ रहा हूँ और किसी राजेश्वरी देवी से मिलने आया हूँ। हम हैं राजेश्वरी देवी। अरे राजेश्वरी देवी आप ही हैं? अरे फिर तो अच्छी बात है। इंश्योरेंस किसके नाम का बनवाना है? हमारे पति की। आपके पति? ओके। एक्सक्यूज मी, मैडम गाड़ी तैयार है। अंदर का सामान जाके गाड़ी में रखवा दो। जी देखिए मैडम, पॉलिसी खरीदने के लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है। अब वो तो मैं भर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके पति के साइन की जरूरत है। अब वो तो मैं नहीं कर सकता ना, आपके पति को बुलाना पड़ेगा। प्यारे प्यारे। जी जी मैडम। इस पेपर पे साइन कर दो। अरे मैडम कोई कंफ्यूजन है, आपके ड्राइवर की नहीं आपके पति की साइन की जरूरत है मुझे। ये मेरे पति है। क्या? कमाल है, ड्राइवर कम बॉय तो सुना था, लेकिन ड्राइवर कम हस्बैंड, अच्छा कॉम्बिनेशन। गेट आउट फ्रॉम हियर। कमाल है यार। अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। थैंक गॉड मेरी तीनों बेटियां तुम पर नहीं गई, इडियट। ये माधुरी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जाओ। यहाँ से ही दो। ये शर्ट है, ये पैंट। मिस्टर मेहता, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि 50-60 लाख जैसे छोटी रकम की इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस खुद लिया करें। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर दैट, और गलती से मुझे दोबारा फोन मत करना। हाय मॉम, बाय मॉम। अरे अरे माधुरी, इतनी जल्दी में कहाँ चली? अरे मॉम, आज एक बहुत बड़े गुंडे का एनकाउंटर करने जाना है। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक गोली मेरे तरफ से भी मार देना। यस मॉम। सुनिए, तुम्हें कितने बार कहा है कि जाते वक्त टोका मत करो,
क्या है? इतने बड़े गुंडे का एनकाउंटर करने जा रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक काम करो, खुद बैठ जाओ। बैठ जाता। अगर भगवान ने जैसे आपको 3-3 बेटियां दी है, उस तरह मुझे 3-3 बीवियां दी होती, मतलब तुम तो मेरी इकलौती बीवी हो ना, तो चिंता तो होगी ना, कम से कम तुम्हारी आरती तो उतारने दो। बस अब मुंह खोलो। हाँ? दही शक्कर खिलाना है, अभी मना मत करना। ये दही शक्कर शुभ कहलाता है, थोड़ा सा चख के जाओ। भगवान उसकी रक्षा करे। क्या? तुम्हारी मतलब आपकी रक्षा करे। सुनो जरा वहां ना। मैं आंखें बंद कर लीजिए, खंबे के पीछे बुलाया है, कहीं कुछ दिख ना जाए। हाँ हाँ करती हूँ। नो चीटिंग। बाय मॉम। बाय बेटा। आंखें बंद करने के बजाय कान बंद करने के लिए कहना था। एक्चुअली अब अंदर जाइए किचन में और देखिए कि नाश्ता रेडी है या नहीं। गीता तैयार हो गई होगी। रुमाल पर्स फाइल परफ्यूम गंवार के गंवार रहोगे। क्षमा कर दीजिए, गलती से मिस्टेक से भूल हो गई। अरे गलती और मिस्टेक तो मुझसे हो गई है, जो तुम्हारे जैसे पैजामे छाप के साथ शादी करके उसे घर ले आई। हाँ तो ठीक है नू, हम गंवार हूँ पैजामा छाप हूँ, तो हमको छोड़ दीजिए ना, हम जा रहे हैं छपरा गांव बिहार अपने। जाके तो देखो, केस कर दूंगी, जेल के अंदर डाल दूंगी। भूल गए, शादी करते टाइम तुमसे एक एग्रीमेंट साइन कराया था जिसमें मैंने ये लिखा था कि इस घर के तो क्या, इस कमरे से भी बाहर तुम एक कदम नहीं निकाल सकते मेरी मर्जी के बिना। हाँ तो ठीक है, इस दुनिया से तो चाहता है। काहे इतना चिल्लाती हो? इतना चिल्लाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी नू। सुनिए। क्या है? आज थोड़ा जल्दी आओ ना। क्यों? क्यों क्या, जब हमारी नई नई ब्याह हुआ था कितनी जल्दी आती थी, अब रतिया में कहाँ रहती हो, हम कितना इंतजार करता हूँ। तो क्या मैंने तुमसे कहा है कि मेरा इंतजार करो? हटो। ए, सुनो ना। अब क्या है? एक बार वो दो ना। क्या? पप्पी। ओह गॉड। कितनी बदल गई हो, पहले जब बाहर जाती थी शादी के बाद तो यहाँ मथवा पे पप्पी लेती थी, अब काहे नहीं लेती हो, एक बार ले लो। शट अप करती है, पप्पियों नहीं लेती जा तेरे। अरे एक गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी निकालो, कम से कम हमारे गैराज में 10 गाड़ियां होगी, कभी तो अपनी अक्कल इस्तेमाल किया करो। स्टूपिड, जाओ जल्दी। जी। जाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत गुस्से में लग रही है। आप पहले गए हैं नू। कुछ कहा तुमने? नहीं। अरे गीता बेटी, तुम कहाँ सुबह सुबह चली? मम्मी, आज मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग है, और अगर मैं ये केस जीत गई। एक मिनट गीता, ये मत भूलना गीता बेटी कि तुम राजेश्वरी देवी की बेटी हो। अगर मगर जैसे शब्द तुम्हारी जुबान पे शोभा नहीं देते, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये केस जरूर जीतोगी। और हमको भी है। बाय मम्मा। बाय।
तू कहाँ चला रे कामचोर? आज रात के लिए मैक्सिकन खाना बनाना। मैक्सिकन? मैक्सिकन नहीं, मैक्सिकन। और वैसे भी तुम्हारी ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री किस दिन काम आएगी? रोज ही तो आवा था, दिन में भी और रात में भी। प्रीति उठ गई। अरे बाप रे बाप, क्या कह रही है? अरे उठने का उम्र तो आप शट अप। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीति सोकर उठी या नहीं। अच्छा तो अभी क्लियर कर दिया ना, ऐसा ही बोलिए। अरे अभी कैसे उठेंगे, अभी तो 9 बज रहा है नू, वो 11 बजे उठते हैं नू। सुनती हो? सुनिए, मैडम, चलिए दूसरी गाड़ी तैयार है। बहुत हो गया, अब और नहीं। राधे, ये और लोकी नहीं चाहिएगी ना, इतनी बहुत हो गई ना। राधे, अरे राधे, क्या है? क्या सोच रहे? हमारी खोपड़िया में एक बात जो सोच रहा था वो। क्या बोला? हाँ, क्या बोल रहा है? समझ में कुछ नहीं आता भाई, समझ में ऐसे बोल। हम ही सोच रहे थे। ये बराबर है, कंटिन्यू। हम ही सोच रहे थे कि अगर हम अग्रीमेंट साइन नहीं किए होते नू तो कूद के अब तक निकल गए होते छापरा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूं। मैं पहलवान भीम सिंह बजरंगी, जो बड़े से बड़े पहलवान को यूं चुटकी बजाते धूल चटा देता था, और आज अपनी ही पत्नी से पीट रहा हूं। ना ही मैं भीम रहा, ना ही बजरंगी। और कहीं में किताबे में पढ़ लो रानी। ओहो, कौन सा गाना है ये? गाना नहीं है तो बराबर भाई, फिर से यार समझ में ऐसा बोलना भाई। बचपन में किताब में पढ़े थे। हाँ, गीता में, गीता में। हाँ, कर्म करो, कर्म फल की प्रतीक्षा मत करो। हाँ, हमका का मालूम रहा कि साला हमारी जिंदगी में कोई ऐसी गीता आएगी कि हमारे कर्म कर डालेगी। ये सारा कसूर दिल का है, इसके चक्कर में आते ही अभी तक चक्कर काट रहे। नो नो मोती, नो बॉय, नो। क्या बॉय बॉय बॉय, कम वेर करते रहते हो अंग्रेजी में। मोती को रोटी खिलाते नहीं हो, आज साले को हम बुलाना। नहीं, मेरे होते हुए मोती को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मोती बॉय, डोंट वरी बॉय, मैं यहाँ हूँ बॉय। हरी ससुर जी, मुझे लगा वो मोती हंस रहा है। मोती नहीं हंस रहा है, मैं रो रहा हूँ। काहे? वो काहे मतलब पूछ रहा है क्यों? क्योंकि तुम दोनों की बातें मैंने बाहर सुनी और मुझे रोना आ गया। अब रोने से क्या फायदा बाबूजी, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए कि हम दोनों यहाँ नरक भोग रहे हैं कहे से कि हम दोनों का एग्रीमेंट साइन है, तू काहे मचकूला ले रहे हो? हमारा मतलब है कि काहे मजा ले था वा, काहे निकल कर नहीं भाग जाता? सोचा था भाग जाऊं, एक बार नहीं कई बार सोचा था कि भाग जाऊं, लेकिन मेरी माधुरी ने अपनी तोतली जवान में जब मुझे पापा कहा, मैं जान नहीं सका। आज इस घर में इतने अपमान सहकर भी मैं रह रहा हूं ना इस घर में, इस घर में मैं रह रहा हूँ ना। रह रहे, रह रहे, रह रहे, सबने बोल दिया बस। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है मेरे बच्चे, मेरी 3 बेटियां, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और तुम दोनों तो मेरे बेटों जैसे हो। ओह, जीत रहो। अब सिर्फ एक ही चिंता है, मेरी प्रीति। क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कम से कम वो अपनी माँ और दोनों बहनों के दिखाए रास्ते पर न चले। हाँ, वरना
वरना किसी और एक की जिंदगी हमारी तरह हो जाएगी। नहीं 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 सासु बस अब नहीं रोना आपको बस ब्लो योर नोज ब्लो। मैं नहीं रो रहा हूँ। क्यों? आई मीन तो फिर कौन रो रहा है? अरे बाहर मोती रो रहा है। मोती? अरे कम से कम मोती बहुत मोती। अरे मोती बेटे मुझे पूरा यकीन था गीता कि ये केस तुम जरूर जीतोगी। और मुझे ये भी पता था माधुरी कि वो क्रिमिनल तुम्हारे हाथ से बचकर कभी नहीं जाएगा। एक ना एक दिन उसका एनकाउंटर तुम जरूर करोगी। आफ्टर ऑल यू आर माई डॉटर्स, राजेश्वरी देवी की बेटियां। राजेश्वरी देवी जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी के सामने झुकी है। भीम सब्जी लाओ। हाथ क्यों कांप रहे हैं? वीकनेस। ये प्रीति कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। सासू जी रौरी चिंता कहे को रतानी। समझ में ऐसे बोलो वरना हम ही कह रहे हैं कि सासू जी आप चिंता कहे करती है नू। अरे हमको तो कभी कभी दो दो दिन तक नहीं दिखाई पड़ती है। भगवान ने तुम्हें इतनी लंबी जबान दी है, उसे अपनी पॉकेट में रखो और जाओ जाकर ऊपर से प्रीति को ढूंढ के लाओ। अरे मैं देख के आया बेटी, प्रीति उसके रूम में नहीं है। ओफो पापा, हो सकता है ना जब आप वहां गए हो तो वो बाथरूम में हो। भीम जाओ लेके आओ उसे। उसे किसे कुसे? प्रीति को। एक मिनट, ये जो सामने मुझे दिखाई दे रही है हैवी मेकअप में प्रीति ही है ना? प्रीति ये सब क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरी शादी का जोड़ा है और ये है मेरे हस्बैंड विशाल। बधाई हो, बधाई। शट अप। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मी मुझे पता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विशाल और मैं एक साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। चुप रहो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी इजाजत बगैर इस घर में कोई शादी नहीं कर सकता। मैं इस शादी को नहीं मानती। मम्मी अब आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अभी आपके दामाद है। दीदी आप ही कुछ कहिए ना। मॉम जिद करके क्या फायदा है, शादी तो इसने कर ली है। वैसे भी मम्मा इस प्रीति की शादी तो एक ना एक दिन होनी थी। हाँ और अगर इन जनाब को यहाँ रहना ही है तो आपके नियमों का पालन भी करना होगा। सो प्रॉब्लम क्या है? मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बाकी जो भी होगा हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है ठीक है, तूने इसको समझा दिया है ना? सब कुछ समझा दिया है सासू माँ, सब कुछ। और वैसे मैं बहुत समझदार हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ आप तो बस हम दोनों को जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए। अगर तुम इतने समझदार हो तो तुमने एक बात नहीं समझी कि इस घर में मेरी इजाजत बगैर कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरी साली की शादी हो गई। थैंक्स। काम हो गया है, मैं इस घर में दाखिल हो चुका हूं। अब आप देखते जाइए मैं कैसे इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ससुर जी आप एक मिनट, हम भी है जरा जगह दो भाई, इधर खड़े हो गए। आओ आओ आप भी आओ, आओ। अरे घबराओ नहीं बेटे, अब तो तुम इस घर के दामाद हो। देखो बेटे एक मिनट, पहले वेलकम टू द हॉन्टेड हाउस। माई सेल्फ, उसमें हंसने वाली बात क्या है?
Myself, Bhim Singh Bajrangi. Nice to meet you. और हमारा नाम है राधेश्याम चौरसिया. हैं? राधेश्याम चौरसिया छपरा बिहार. अरे अपना नाम तो क्लियर बोलो, क्लियर बोलो. राधेश्याम चौरसिया छपरा बिहार. हाँ. हो रसिया. देखो 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 बेटे, एक बात समझ लो, ये शादीशुदा जिंदगी जो है वो साइकिल की तरह होती है. पति और पत्नी साइकिल के तो पहिए होते हैं. दोनों पहियों को साइकिल का पहिया होना ही जरूरी है. अगर उसमें से एक पहिया ट्रैक्टर का है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बैंड बज जाएगी जैसे हमारी बज रही है. आप सब लोग फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा. ये दोनों शादी करके आए ना, ऐसा ही बोलते थे. एक मिनट, काम की बात हो रही है. इसका मतलब तुम हमारी बीवियों को बीवी नंबर वन बना दोगे? बिल्कुल. कैसे? ये क्या हो रहा है वहां पर?